कोशिश किया, लेकिन मैं एक चीज महसूस कर रहा था, जहां मैं छोड़ा था वहां लोग जहां पे खड़े थे, मैं ज्वाइन करते समय भी वहां वहीं पे खड़े थे। एक अंदर से दिल कह रहा था कि इससे होगा नहीं, लेकिन वहां पे वापिस सिल्वर जाने के बाद कुछ उथल पुथल हुआ, फिर हम लोग वहां से निकल गए। 2018 अगस्त में जब मैं वेस्टी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था, बिल्कुल मैं नहीं सोच रहा था सॉरी, और बिल्कुल दिल के अगेंस्ट, बिल्कुल किसी को खाली मूवमेंट के लिए हैप्पी करने के लिए मैं जाके 8-10 हज़ार के प्रोडक्ट खरीद के लाया था, और अश्विनी को मैंने बोल दिया था कि ये बिजनेस हम नहीं करेंगे, और ऊपर वाले की कृपा की 2018 के एंड में एक एफआरयू हुआ था, अहमदाबाद या सूरत का एफआरयू मेरे हिसाब से, और हम लोग वहां पे थे अहमदाबाद के एफआरयू में, और मैंने मेरे जैसे ही किसी कंपनी में, उसी कंपनी में बिल्कुल लॉस खाए हुए लोगों को सक्सेसफुल देखा स्टेज में। बहुत अच्छा लगता है जब मैं जितेंद्र अदानी जी को आज देखता हूं, और मैं उनका रिकॉग्निशन DUCD का देख के ही डिसीजन लिया था कि मैं ये बिजनेस करूंगा, क्योंकि उनके स्टोरी में उन्होंने बताया था कि उनका लाइट बिल भरने का भी पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने अपलायंस को घर पे नहीं लेके जा रहे थे। कुछ ऐसा ही सिचुएशन से मैं जिंदगी में बहुत बार गुजरा था, और वो इंसान अगर कुछ पीरियड में अगर सक्सेसफुल हो सकता है तो 110% मैं भी वेस्टीज के साथ में सक्सेसफुल हो सकता हूं, ये मैंने महसूस किया था। और हमने डिसीजन लिया, और सेकंड एफआरयू मिक्स उसी तीन एफआरयू होते थे, एक सूरत होता था और इंदौर और दिल्ली। आई मुझे याद है अभी भी कि मैं इंदौर से दिल्ली का एफआरयू का बीच का फासला हमने क्रॉस किया था। मैं इंदौर का एफआरयू में हमारा चेक था लगभग 10,000 और दिल्ली का एफआरयू में हमारा चेक था लगभग 40,000 रुपया 45,000 रुपया के करीब, राइट। और ये पॉसिबल है वेस्टीज और विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन के साथ में। भैया का मैं बहुत 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 बड़ा धन्यवाद इसलिए मानता हूँ क्योंकि महात्मा गांधी जैसा आदमी, जब महात्मा गांधी थे नहीं तब उनका वो जो डिसीजन था, जिस डिसीजन की वजह से कुछ सालों बाद इंडिया, महात्मा गांधी की वजह से इंडिया फ्रीडम हो गया, राइट। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि शिवाजी महाराज का डिसीजन तब का था जब वो शिवाजी महाराज थे नहीं, और वो अपने डिसीजन को चिपके रहे जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र था। वैसे ही भैया ने लिया हुआ वो डिसीजन जिसकी वजह से आज हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ भैया, आपके पैर छूता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और अपलाइन बिल्कुल, मैं ये एक ब्लेसिंग होता है टू गेट अ गुड अपलाइन। मैं आज कहता हूँ कि मेरी स्पॉन्सर इज जस्ट लाइक मेरी बड़ी बहन है, एकनाथ कुमार जैसा अपलाइन मिलना, ये मतलब जिनको ईगो नहीं है, राइट, जिनको अपने से बड़ा बनने वाला आदमी देखने में खुशी होता है, ये कल्चर, जिस कल्चर में मैं ग्रो हो रहा हूँ, आई एम रियली थैंक्स। कुछ पुण्य कर्म हमने भी किए होंगे जिसके वजह से 20 साल का लड़का वापिस 40-42 साल का उम्र में आने के बाद में सेम इंडस्ट्री में पैर रख के ग्रो करता है, राइट। आज हमारी वजह, हमने डिसीजन लिया, हमारी वजह से लोग डिसीजन लेना शुरू किए, जो चीज़ हम पहले वाली कंपनी के साथ नहीं कर पाए थे, यहाँ पे आज एक डिसीजन की वजह से आज 3 कारें आ चुकी है टीम में। मैंने भी 24 लाख की टाटा हैरियर वो भी ऑटोमेटिक खरीदी हुई है, और मैं लिख के रहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि गोरों को कंपनी के साथ में रहते रहते हमने बहुत सारे अदर कंट्री का लोगों का लाइफ स्टाइल वीडियो देखा है, और मैं गारंटी से बताता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा लाइफ स्टाइल का वीडियो देख के गोरे लोग ज्वाइन करेंगे वेस्टीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू।